बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छा फेस पैक शेयर करने वाले हैं, जिसे यूज करके आप अपने स्किन को बहुत ही ज्यादा लाइट एंड वाइटन एंड टाइटन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपको फेस पैक बताने जा रहे हैं, ये आपको बहुत ही आसानी से आपके किचन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फेस पैक। तो मैंने यहाँ सबसे पहले ले लिया है दही। फ्रेंड्स, दही तो आप सभी को पता ही होगा, दही हमारे हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ अगर हम अपने चेहरे पे इसको रेगुलर यूज करते तो हमारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा हो जाएगा, मतलब कि आपकी रंगत जो होती है ना, वो बहुत ही साफ हो जाएगी। आपके स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने ले लिया है दही। अब हमें इसमें ऐड करना है टर्मरिक यानी हल्दी। फ्रेंड्स, हल्दी आप सभी को पता है एंटीसेप्टिक होती है। हल्दी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ मानी जाती है। कोई भी शुभ कार्य होता है, सबसे पहले उसमें हल्दी ही यूज की जाती है। फ्रेंड्स, तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लूँगी। आपको थोड़ी हल्दी ऐड कर लेना है। एंड अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून हनी ऐड करूँगी। हनी हमारे फेस को या मॉइस्चराइज करता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा फेस पैक तैयार है। ये ऐसा एक फेस पैक बनके तैयार हुआ है जो आपके फेस को इतना अच्छा रंग निखारेगा आपके फेस का। आप एक बार यूज करके देखेंगे तो आपको एक बार के यूज में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपके स्किन का कलर धीरे धीरे डल होता जा रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक बनके तैयार हुआ है। आपको इसे अपने फेस पे बहुत ही अच्छे से लगाना है। फेस और गर्दन पे अच्छे से लगाना है। आपके पास ब्रश है तो ब्रश से लगाइए, वरना फिंगर टिप की हेल्प से लगाइए। आप इस पैक को रेगुलर यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अपने हाथों में भी इस पैक को लगा सकती हैं। यहाँ पे मेरा थोड़ा बच गया था, तो मैं अपने हाथों पे भी इसे लगा लेती हूँ और 10 से 15 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट हो गया है और मेरा पैक बहुत ही अच्छे से सूख गया है। सूखने का क्या है, हल्का सा इसमें नमी रहे, वरना बहुत ज़्यादा सूखने पे हमारी स्किन रेड हो जाएगी। और इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए छुड़ाएंगे। हमारे जो फेस पे हल्के से बाल होते हैं, धीरे धीरे वो भी कम होने लगते हैं इससे। फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट मिला। फ्रेंड, अगर आपके भी कोई भी प्रॉब्लम है फेस पे, डार्क स्पॉट हो गए हैं या फिर पिंपल्स निकल रहे हैं या आपकी स्किन डल हो रही है, बहुत लोगों की सर्दियों में स्किन डल होने लगती है, तो ये पैक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस पैक को आप रेगुलर यूज करें, 10 से 15 मिनट लगा के छोड़ दें, फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस पैक को हटा देना है। आज की रेमेडी आपको कैसी लगी? जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।